ये है एक नाव जिसके सात जल में चार, नाव की चार उन्होंने दे रखी, नाव की चार कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में, ये धारा है, धारा की दिशा मतलब इधर, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 30 किलोमीटर। धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर वापस आने में, यहाँ से पहले गए ऐसे और फिर यहाँ से वापस आ गए, जाने में और कुल लौटने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, यानी कि यहाँ से ए से बी तक जाने में और फिर बी से वापस आने में जो समय लगता है वो 4 घंटे 30 मिनट का लगता है। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, तो मान लिया मैंने जाने का जो समय है वो है T1 और जो वापस आया कुल समय कितना है T2, तो इसका मतलब इन दोनों समय का जो जोड़ है यानी कि T1 + T2 कितना है 4.5 घंटे, यानी 4 घंटे 30 मिनट। अब जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए 4 घंटे 30 मिनट है तो एक ही राशि में होने चाहिए, तो 4 घंटे 30 मिनट का मतलब हो गया 4.5 घंटे, तो 4.5 घंटे को हम कैसे लिखेंगे T1 + T2 4 सही 1/2, क्या लिखेंगे 4.5 घंटे को 4 सही 1/2, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं T1 + T2 4 दुनिया 8 और 1 9/2, यानी कुल समय कितना हो गया ये हो गया। अब हमें करना क्या, अब हमें इसमें जो धारा है इसमें क्या पूछा, धारा की चाल याद की, तो धारा की चाल जो मान ली हमने क्या मान ली x किलोमीटर पर आवर मान ली, ठीक है। तो धारा की चाल जब इधर चल रहे होंगे नाव, तो धारा की चाल और नाव की चाल दोनों जुड़ जाएंगी, तो स्पीड ज़्यादा होगी जब जुड़ेगी तो स्पीड तेज से चलेगी नाव, और जब विपरीत दिशा में आ रहा होगा तो धारा की चाल और धारा की नाव की चाल और धारा चाल अंतर के बराबर हो जाएगी। तुमने देखा होगा जब धारा की दिशा में चलते हैं तो नाव तेज चलती है, और धारा की जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो नाव धीरे चलेगी, या हम कह सकते हैं जब आप नदी में तैरते हैं तो धारा की दिशा में तैरोगे तो बड़े आसानी से तैर लेते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में तैरना बहुत कठिन होता है, यानी स्पीड स्लो हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि वेग में क्या अंतर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, तो धारा की दिशा में जब हम चाल निकालेंगे तो क्या होगा इसकी और इसकी चाल जुड़ जाएगी, और विपरीत दिशा में निकालेंगे तो इसकी चाल और इसकी चाल माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि जब माइनस होगी तो किसकी चाल में से किसकी चाल माइनस होगी, जब आप धारा की विपरीत दिशा में जाओगे अगर आपकी स्पीड धारा की स्पीड से कम है तो धारा आपको बहा के ले जाएगी, और आपकी स्पीड अगर धारा की स्पीड से ज़्यादा है तब आप धारा की विपरीत दिशा में तैर पाओगे, तो इसका मतलब जो स्पीड ज़्यादा होगी उसमें से हम कम वाली माइनस करेंगे। अब चूंकि विपरीत दिशा में वो आ रहा है तो इसका मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो नाव की चाल है उसमें से धारा की चाल को माइनस किया जाएगा, क्योंकि धारा की स्पीड कम होगी नाव की चाल ज़्यादा होगी तभी वो विपरीत दिशा में आ सकता है। तो अब मैं इसको देखिए स्टार्ट करता हूँ, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो धारा की दिशा में परिणामी चाल, धारा की दिशा में परिणामी चाल क्या होगी, धारा की चाल प्लस नाव की चाल, धारा की चाल कितनी है, नाव की चाल कितनी 15 और धारा की चाल कितनी है x, दोनों को जुड़ जाएगी, ठीक है। तो धारा की दिशा में परिणामी चाल और धारा की दिशा में जाने में लगा समय निकाल लो, इसलिए धारा की दिशा में जाने में लगा समय कितना होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये सूत्र है हमारा, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो यहां से समय निकालना तो समय कितना हो जाएगा दूरी बटे चाल, समय हो जाएगा दूरी बटा चाल, तो समय हमने कितना मान लिया जाने में T1 माना था, और दूरी कितनी, दूरी कितनी है 30 किलोमीटर, और चाल हमने अभी निकाली 15 + x, पास आ भाई 15 + x, ओके। अब ऐसे निकालेंगे धारा की विपरीत दिशा में परिणामी चाल, धारा की विपरीत दिशा में
परिणामी चाल। तो धारा की विपरीत दिशा में क्या हुआ, चाल किसकी ज्यादा है धारा की विपरीत दिशा में, नाव की या धारा की? नाव की ज्यादा होगी तभी तो नाव वापस आएगी, वरना धारा बहा के ले जाएगी। तो क्या हुआ, नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो धारा की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में जाने या विपरीत दिशा में आने में लगा सर, आने लगा समय, धारा की विपरीत दिशा में आने में लगा समय कितना जाएगा? ओ पहले निकालेंगे, हाँ समय लगा समय कितना होगा बताइए, टी टू इज इक्वल टू यही फॉर्मूला, समय दूरी बटे चार। तो दूरी कितनी है, दूरी है 30, दूरी तो उतनी ही जितनी पहले थी, लेकिन चाल क्या हो गई अब हो गई 15 माइनस एक्स। ठीक है, अब गिवन दैट हमें दे रखा, क्या दे रखा, टी वन प्लस टी टू बराबर कितना है 9/2। टी वन की वैल्यू याद दीजिए 30/15 प्लस एक्स, टी टू की जगह याद दीजिए 30/15 माइनस एक्स बराबर 9/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए हम जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लें पहले, तिरछी गुणा इसकी इधर और इसकी इधर, एक काम और कर लेते हैं हम यहाँ से, चलो कोई फायदा नहीं है, तीन कॉमन ले काट सकते थे बस, चलो कोई दिक्कत नहीं, 30/15 माइनस एक्स, 30/15 प्लस एक्स, एलसीएम ले लिया हमने, तिरछी गुणा में इसकी इधर इसकी इधर, और ये 9/2। और सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 15, 30 कॉमन ले लिया जाए, गुणा मत करो, 15 माइनस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स, ये देखिए नीचे हो गए दो वर्गों का अंतर, तो दो वर्गों का अंतर यानी कि 15 का वर्ग माइनस x का वर्ग, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये 9/2। तो यहाँ पर देखिए x से x कैंसिल हो गया, यहाँ कर देता हूँ हमें क्वेश्चन को, इसे कितना हो गया ये 30/15/15 हो गया, 30/15/15 कितना हो गया 30, तो इसको 15/15 जोड़े जाएंगे, 1/30 बाहर है, नीचे क्या हो गया 15 का वर्ग होता 225 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 9/2। तिरछी गुणा कर लेते हैं, तिरछी गुणा करेंगे ये आ जाएगा 3 3 9, 2 0 लग जाएंगे, गुणा 2, और ये चीज़ आ जाएगी इधर, और ये पहुंच गया इधर 225 माइनस का एक्स स्क्वायर, देखिए 2 इधर पहुंच गया ये इधर, अब चूंकि हमें एक्स निकालना तो इसको उठा के इधर ले गए, अब ये देखिए घट जाएगा 9 का। ठीक है, तो पक्षांतर कर लेते हैं, ये हो गया 100 × 200 एक्स स्क्वायर इधर ले आते हैं 225 माइनस 200, तो कहाँ किया जाए, चलो ये आ कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 25, एक्स बराबर आ गया प्लस माइनस 5। अब देखिए जरा ध्यान से, एक्स बराबर प्लस माइनस 5 आया, यानी कि इसकी जो स्पीड है माइनस पे तो होगी नहीं, ज़्यादा ही होगी स्पीड धारा की, तो प्लस 5 यानी कि धारा की चाल कितनी हो गई, हमें धारा की चाल निकालनी थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ लिख देते हैं, अतः धारा की चाल, धारा की चाल कितनी हो गई 5 किलोमीटर पर आवर, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है, आप लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। एक दो अंकों की संख्या, देखिए दो अंकों की जो संख्या बनती है वो इकाई और दहाई से मिलकर बनती है,
तो पहला अंक होता है इकाई का, दूसरा बोलते हैं जैसे मान लीजिए 25 है, तो ये दो अंकों की संख्या है, ये कहलाता है इकाई का अंक और ये कहलाता है दहाई का अंक। तो दहाई का अंक में हमेशा जो है 10 से मल्टीप्लाई की जाती है और इकाई के अंक में 1 से मल्टीप्लाई की जाती है। अब आप इसको सोल्व करके देखिए, सोल्व करेंगे कितना का 2 × 20 प्लस 5 जोड़ कितना आ गया 25। तो कहने का मतलब ये है कि इकाई का जो अंक होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई और इकाई के अंक को 1 से मल्टीप्लाई और दहाई के अंक को 10 से मल्टीप्लाई, टोटल जो बैठता है उस संख्या के बराबर ही आता है। तो अब हमें इसको समझना है, दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। तो अंकों का गुणनफल 18 तभी आ सकता है जब वो संख्या एक दूसरे की व्युत्क्रम होगी। तो पहली संख्या हमने मान ली, माना पहली संख्या बराबर एक्स, ठीक है, तब दूसरी संख्या कितनी होगी बताइए, क्योंकि गुणनफल 18 रखना, तो गुणनफल 18 कब होगा जब मैं ये लिखूं 18/x। देखो जब मैं इनकी गुणा करेंगे, देखो एक्स गुणा 18/x एक्स कर दिया, गुणनफल 18 आ रही है, ठीक। तो पहली संख्या x हो गई, दो अंकों की संख्या, अंकों का गुणनफल कितना 18 है। जब संख्या, तो इसका मतलब पहली संख्या x यानी इकाई का अंक हो गया और ये हो गया दहाई का अंक। तो इकाई का अंक बराबर कितना x और दहाई का अंक बराबर कितना 18/x, ठीक है। अब देखिए पहली संख्या x, दो अंकों की संख्या गुणनफल 18 है, तो इसका मतलब एक संख्या ये हो गई और दूसरी संख्या ये हो गई, यानी पहली इकाई का अंक हो गया x और दहाई का अंक हो गया 18/x। तो संख्या कैसे बनेगी, संख्या कैसे बनती है, संख्या इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक, जो दहाई का अंक है उसमें कितने से मल्टीप्लाई करनी 10 और इकाई के अंक को कितने से मल्टीप्लाई करनी 1 से। तो इस तरह से संख्या निकल के आ जाती है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, संख्या कितनी हो गई 180/x प्लस एक्स। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें यहाँ पर x की वैल्यू मालूम चल जाए तो हमें संख्या मालूम हो जाएगी। अब देखो दिया क्या है, जब संख्या में से 27 घटाया जाता है, यानी इसमें से 27 घटाया जाता है, तो क्या दे रखा हमें क्वेश्चन में, गिवन दैट ये दे रखा, जब संख्या में से 27 घटाया जाता है, यानी ये जो संख्या आई है अभी ताजी ताजी, इसमें से क्या घटाया जाता है 27, तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अंक मतलब देखिए वाले, ये हो जाता है इधर और ये हो जाता है इधर, तो अंक के स्थान बदल जाते हैं। तो क्या हो जाएगा 18/x × 1 और इधर हो जाएगा प्लस के x × 10। जरा ध्यान देंगे कि अगर मैं इस संख्या में से 27 घटा दूं तो जो अंक हैं यानी इकाई और दहाई आपस में चेंज हो जाते हैं, इकाई पहुंच जाता है दहाई के स्थान पर और दहाई पहुंच जाता है इकाई के स्थान पर। मासूम भाई अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए सॉल्व करेंगे 180/x प्लस का x माइनस 27, इसको 18/x प्लस के 10x। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे, यहाँ 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो 1 मान लिया मैंने x, ये हो गया 180 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 27x, ठीक है, एलसीएम ले लिया। अच्छा यहाँ भी देखिए 1 मान लेते हैं, एलसीएम में लूँगा यहाँ पे, तो कितना होगा 18 प्लस के 10x स्क्वायर। इसको और सॉल्व करते हैं, पहले बड़ा लिखेंगे माइनस के 27x प्लस 128/x, यहाँ पर भी देखिए 10x स्क्वायर प्लस के 28/x। यहाँ देखिए x से x हम काट सकते हैं, वैसे x हमें निकालना काटना नहीं चाहिए, लेकिन x की वैल्यू 0 तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 0 हो जाएगी तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए हम x से x को काट सकते हैं। अब देखिए क्या बचा है, यहाँ पे पक्षांतर कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस 180 बराबर 10x स्क्वायर प्लस 18। अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं, तो गुणनखंड करेंगे पक्षांतर करते हैं, पहले सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस के 10x स्क्वायर
और ये माइनस का 27x, और यहाँ पर ये कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 10x स्क्वायर और माइनस का 27x, ये इधर आ जाएगा 27x और प्लस 180 और माइनस के 18। देखिए मैंने यहाँ ले गया एक्स स्क्वायर, ये आ गया, ये माइनस का 10x स्क्वायर आ गया, माइनस का 27x प्लस का 180 और ये माइनस के 18। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बचा माइनस का 9x स्क्वायर और ये हो गया 27x, 180 में से 18 घटा दीजिए कितना बचेगा 162। अब क्या करना है, हमें 9 कॉमन ले लेते हैं माइनस का, वो भी तो मैंने माइनस का 9 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर 9 दिया 27, ये प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 9 कम 9 और 9 अट्ठे 72, तो ये 0 पहुँचा देंगे इसको। जीरो बटा माइनस का 9, अब 0 को भाग देते हैं किसी भी नंबर से तो 0 आ जाता है, ये हो जाएंगे गुणनखंड हो जाएंगे 6 3 18, यहाँ से x कॉमन ले लिया x प्लस के 6, यहाँ माइनस का 3 कॉमन ले लिया x प्लस के 6, x प्लस 6 कॉमन आ गए दोनों में से, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 6, तो माइनस में तो नंबर होगा नहीं तो इसे हम छोड़ देंगे, यहाँ से ये वाला लेंगे x माइनस 3 आती है। अब यहाँ पर हम संख्या पूछी हमसे, यहाँ पर रखती है x का मान, हमें संख्या मालूम हो जाए, ठीक है, तो हम यहाँ निकाल देते हैं संख्या, इसलिए संख्या कितनी है 180 बटा एक्स प्लस के एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं जो निकाली हमने, x की जगह 3 रख देते हैं, फिर सॉल्व करेंगे 3 4 18, तो कितना आ गया 60 प्लस 3 यानी कि 63, तो संख्या कितनी आ गई 63 संख्या आ गई। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, माना हर बराबर x, तब अंश कितना हो जाएगा बताओ, अंश बराबर हो जाएगा x माइनस 3, दोबारा फिर समझेंगे, एक भिन्न का अंश यानी कि ये वाला, उसके हर से 3 कम है, तो पहले हर मालूम होना चाहिए, ठीक है, तो अंश कितना हो जाएगा 3 कम हो जाएगा तो भिन्न क्या हो गई, भिन्न हो जाएगी, भिन्न बनती है अंश बटा हर से, कैसे बनती है भिन्न, अंश बटा हर तो अंश कितना है x माइनस 3 और हर कितना है x, ये भिन्न बन गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा, यदि अंश तथा हर दोनों में 2 का जोड़ दिया जाता है, यानी कि इसमें और इसमें दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, नहीं तथा वास्तविक, ये वाली भिन्न कहलाएगी वास्तविक, कैसी कहलाएगी वास्तविक, तो नई भिन्न कैसी है, नई भिन्न क्या, यदि अंश और हर दोनों में 2 का जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए और उसके हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, तो ये नई भिन्न बन जाती है, कितनी हो जाएगी, सॉल्व करेंगे इसको x माइनस 1 और x प्लस 2, अगर ऐसा कर दिया जाए तो नई तथा वास्तविक भिन्न का योग इतना हो जाता है, तो क्या दे रखा हमें, गिवन इंटरसेक्ट दिया हुआ, नई भिन्न, नई भिन्न प्लस वास्तविक भिन्न का योग, योग का मतलब प्लस, कितना है 29/20, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, नई भिन्न कितनी है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 और वास्तविक भिन्न ये वाली x 3 अपॉन x बराबर कितना 29/20, अब इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या है इसका, देखिए बताइए x प्लस 2 और x तिरछी गुणा हो जाएगी, इसकी इधर और इसकी इधर,
एक्स इंटू एक्स माइनस वन, और इधर जाएगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री बराबर 29/20। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए तो पहले जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इनकी आपस में गुणा करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, पहले एक्स की दोनों से होगी एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, और फिर 2 से करेंगे तो प्लस का 2x माइनस 2 दिया 6, और नीचे भी गुणा होगी, नीचे x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 2x इक्वल टू में कितना है 29/20। आप देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स माइनस 3x और x हो गया, और ये अभी प्लस का 2x और बचा है माइनस का, अच्छा समान चिन्ह जुड़ते हैं ठीक है, तो x से 3x कितना हो गया 4x, प्लस का 2x ऐसे ही बचा, और ये नीचे एक्स स्क्वायर प्लस के 2x इज इक्वल टू 29/20। तिरछी गुणा करेंगे आप, देखिए 20 इधर आ जाएगा, और ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4 में से 2 घटा दो, विपरीत चिन्ह जो है हमेशा घटते हैं और समान चिन्ह जुड़ते हैं ठीक है। अब ये आ जाएगा 29 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, मैं इसको करता हूँ, देखिए यहाँ पे 20 के अंदर गुणा करेंगे 20 दूनी 40 एक्स स्क्वायर, और 20 दूनी यहाँ पे 40x, और 2 चंद 12 एक जीरो लगा देते हैं, 29 के अंदर गुणा करेंगे 29 एक्स स्क्वायर 29 दूनी 58। पक्षांतर कर लेते हैं, तो पक्षांतर करेंगे तो जो सजातीय पद हैं उनको पास पास रखेंगे, सजातीय पद बोले तो एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के पास, एक्स वाला एक्स के पास, ये कहलाते हैं सजातीय पद ठीक है। और अचर वाला यानी नंबर्स जो है नंबर्स के साथ, तो और कोई नंबर अकेला तो है नहीं, केवल ये आ गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सब आ गए। अब इसको और सॉल्व करते हैं, 29 40 कितना होगा भैया, 29 40 70 69 हो गया, और ये अच्छा ये भी है, तो यहाँ पर 40 अच्छा ये था, ये स्क्वायर था इधर, ये गड़बड़ हो गया, सही कर लेते हैं इसको, ये 29 एक्स स्क्वायर, तो 40 में से 29 घटा दीजिए कितना बचेगा 11 एक्स स्क्वायर, और ये 40 और 58 हो गया 98, और यहाँ पर आ गया 120, तो कुछ कॉमन नहीं है। तो अब हम करेंगे इसे गुणनखंड, तो गुणनखंड करने के लिए पहले 11 की और 120 की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मैं इधर बता देता हूँ 11 की और 120 की मल्टीप्लाई, तो 11 की और 120 की मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, देखिए अब इसके टुकड़े करेंगे 1320 के टुकड़े, तो 2 से 2 छम 12 2 छम 12 और फिर 2 से 2 3 6 और फिर 2 से 2 एक 2 2 छम 12 2 5 10 फिर 5 से 5 3 15 5 3 15 फिर 3 से 3 एक 3। अब यहाँ पे कुछ ऐसा करना कि 98 आना चाहिए, घटा के 98 और गुणा के आना चाहिए 1320, तो यहाँ पर देखिए तो 11 5 55 दूरी 11 5 55 ये आ रहा है, देखिए ये वाला और ये वाला 11 5 55 दूरी 110 और 2 3 4 3 12 2 2 4 3 12, तो इसके करेंगे हम 11 x² 11 5 55 110 में से 12 माइनस करेंगे तो 198 आएगा, और जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 110x माइनस माइनस प्लस, तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1320। यहाँ से देखिए कॉमन ले लीजिए 11x कॉमन ले लिया, x माइनस के 10 और प्लस के 12 कॉमन ले लिया, x माइनस 10 कॉमन आ गया x 11x प्लस के 12, और यहाँ से आ गया x माइनस 10 बराबर 0 और x बराबर आ गया 10, यहाँ से 11x प्लस 12 बराबर 0 तो x बराबर आ गया माइनस के 12/11। अब देखिए इसे हमें छोड़ना पड़ेगा,
अब क्यों छोड़ेंगे जरा रीजन समझिए। यहाँ देखिए एक्स बराबर माइनस के 12/11 आया। एक्स क्या हर है, क्योंकि अंश और हर मिलके भिन्न बनेगी, तो इसका मतलब एक्स क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगी, और ये कैसी आ रही है, अपूर्ण संख्या, तो इसका मतलब ये हमें नहीं लेना, ठीक है। कौन सा लेना है, एक्स इजिकल टू 10। तो एक्स इजिकल टू क्या है हमारा आंसर, एक्स इजिकल टू 10। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है वास्तविक भिन्न, तो वास्तविक भिन्न क्या हुई, वास्तविक भिन्न बराबर क्या हुई, क्या थी भिन्न, एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स, और एक्स के स्थान में क्या रख दीजिए 10 माइनस 3/10, यानी कि हो जाएगी 7/10। तो भिन्न क्या आ गई, वास्तविक भिन्न 7/10, ये हमारा आ गया आंसर, समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने इसमें करा दिए, ठीक है। फिर भी आपके कोई और ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको कोई दिखता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, मैं उसको सॉल्व करके अगली वीडियो में कर दूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाया हुआ मैटर समझ में आता है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो के एंड में मेरा चैनल्स का लोगो होगा, आप वहाँ क्लिक करके भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।